हम निर्मला से शादी करना चाहते हैं। तुम शादी करना चाहते हो वो भी चोरी के पैसों से? मां बारात में पैसे लूटने वाले को कहां मालूम कि ये चोरी का है कि मेहनत मशक्कत का है? पर हमका तो मालूम ये पैसा चुलबुल का है। अरे नहीं मां, ये पैसा चुलबुल का नहीं है, कागज का है। यकीन नहीं आ रहा तो फाड़ के देख लो। और कौन सा इसमें चुलबुल का तस्वीर छापा हुआ नोटों में? और उसने कौन सा मेहनत से कमाया है? कोई स्टील मिल में काम करता है? वो तो रिश्वत रिश्वत लेके जमा किया हुआ। ठीक है भैया, ये बात है तो फिर लो, ये लो। पर एक बात कही दिया हमको, एक बात का बहुत अफसोस रहेगा कि हमने एक चोर को जन्म दिया, चोर को जन्म दिया। माँ आप कैसे बताएं, एक डाकू के घर चोरी तो पैदा होगा, कौन सा साहूकार पैदा होगा? क्या हमारे खड़े रहने की मन्नत है? बैठने का नहीं कहोगी? तुम बहुत डीट हो, बैठने का ना भी बोलेंगे तो बैठ जाओगे। ये तो है। दो तो लिया करो, शादी करना चाहते हैं हम तुमसे। क्यों? इसलिए कि कोई और लड़की राजी नहीं होगी। हम शादी नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो, तंबू का खर्चा, बाजे वालों का खर्चा, खाना पकाने वालों का खर्चा, पानी की टंकियों का खर्चा, वो सब हमारी तरफ से। हम नहीं कर सकते शादी। तो क्या सारी जिंदगी लड़कों का माल खाती रहोगी? हाँ। अगर हमारे जैसा चरिया मिल जाए तब भी नहीं। कारण? हम बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर उनके मुंह पे तकिया रख के बैठ जाएं तब भी नहीं? जिंदा हैं तब भी नहीं। चुलबुल पांडे, क्या फायदा तुम्हारी खूबसूरती का? लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, थूक दिया तुम्हारे मुंह पे। ठीक है, चले। नहीं चुलबुल पांडे, ये तो बात का सीन है। जलील होकर आ रहे हैं तुम्हारी बहू के घर से, इनकार कर दिया उसने शादी से, और वैसे भी आजकल की लड़कियां शादी नहीं करती, सिर्फ लड़कों का माल खाती हैं। हमारा क्या है? रोजाना रीमा का कैलेंडर देख के सो जाएंगे? और आज तुम बाहर क्यों सोई हो, और वो भी बछड़े के साथ? हमारी मां कम और बछड़े की मां ज्यादा लग रही हो। जब किसी के घर में खुशी आने वाली होती है तो हर कमरे में खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगाते हैं। तुमने क्या हमारी बारी पर इवल डेड देखी थी? इसीलिए तो सब हमें भूतनी का बोलते हैं। लोग बच्चे को बचपन में शहद पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं। तुमने हमें सिंगाड़े खिला खिला के जवान किया। खैर, ओ मां,
हाँ कमाल करती हूँ पांडी जी, कोई है कारखाने में मेरे आके पेट में फूंक मारे, हम डर गए। हम करने आए सुला, हमें करनी नहीं है सुला, चले जाओ यहाँ से, दरवाजा है खुला। देखिए पांडे जी, जो हुआ उसे भूल जाइए, क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते? नहीं, शेर और बकरी एक घाट में पानी नहीं पी सकते। अगर आपने हमें शेर मानी लिया है तो हम वादा करते हैं तुम्हें घाट पे पानी पीने देंगे। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, मैं खुद कॉमेडी किंग में आता हूँ। आ हा हा, आ हा हा, आ हा हा। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मोहल्ले की कोई औरत हमसे शादी करने को तैयार ही नहीं होती। क्यों? वो कहती है तुम्हारे दोनों बेटे मनुष्य से उनको देखते तो हमारा सालन खराब हो जाता है। तुम्हारी माँ बहुत बेवफा, जाते जाते भी हमारे साथ भंड करके चली गई। कम से कम इंश्योरेंस करवा के जाती तो आज हमको पैसे मिलते, हम बॉन्ड का आंकड़ा ही खेल लेते। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से और बाहर से कुंडी लगा देना। वजह? अंदर बैठने हिसाब किताब भी करना होता ना, पिछली मरतबा भी हमारे 50 रुपए गायब हो गए थे। कमाल करते हो पांडे जी। अरे शीला, शीला की जवानी, अरे शीला एक बार मिल जाए फिर उसको बताऊंगा जवानी क्या होती है। यहाँ बैठे हो बाबा, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों ढूंढ रही है? ढूंढती थी एयरपोर्ट पर भी आ गई तू। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरे गांव में हमका शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अरे बस एक सिगरेट पी लूं फिर चलते हैं। चलो बाबा, ट्रेन आ गई तो तुम भी मरोगे और मैं भी ख्वामखा मारी जाऊंगी। ट्रेन आ जाती है? बस सुन, एक बात बोलो, नाराज तो नहीं होगी? नहीं बोलो। बस एक सिगरेट पी लूं फिर चलते हैं। चलो बाबा। अरे छोड़, छोड़ दे। चलो क्या हो रहा है पे? क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? बाप बेटी बात कर रहे हैं, तू क्या समझ रहा है?
छोड़ दे उतर जाएगी। नहीं कर कसम से नहीं कर, लास्ट सीट उतर जाएगी। सुनो, ये जो पीछे बैठे हैं ना, हाँ, इनसे किराया ले लेना। क्यों साहब? अपने थाने के नहीं है, हम आते हैं। अरे रुकिए, इस दौर के सबसे बड़ी गन हमारे बड़ के भैया बुलबुल नहीं चुलबुल पांडे आ रहे हैं। घर में नहीं है लत्ता और पान का है अलबत्ता। मुंह ऐसे रखी हुई जैसे गन्ना छीलने वाली छुरी। इमदाद के कपड़े पहनने वाले टेलर की दुकान। हमारी शादी खाना आबादी दुख्तरे नेक अख्तर नूर चश्मी निर्मला से होना करार पाई है। दूल्हा कितने बजे उठाया जाएगा? असर के बाद। हाँ, पूरा गांव आ रहा होगा मुफ्त तोड़ने के लिए। हमें नहीं बुलाओगे अपनी बर्बादी में? आपको कार्ड देने का जरूरत ही क्या है? आप तो किसी भी पालतू कुत्ते की तरह कन्नात के नीचे से घुस के आके खा के चले जाओगे। अगर दावत भी दे दिया तो कौन सा आपने आ जाना? क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे और अपनी तबंग बीवी के साथ आएंगे। शादी कर ली आप? नहीं, लेकिन कर लेंगे वो भी तुमसे पहले। बीवी दबंग है आपकी? बहुत दबंग। बदली करते हो क्या? कपड़े के पैसे ले लेना, ये भी चोर के ही बच्चे हैं। चलते हैं। क्या हो रहा है? दिखने रहा, साइकिल चला रहा हूँ। वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन नंगे पाँव? इससे साइकिल तेज चलती है, लेकिन मैं तेरे को बैठाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को डबल सवारी नहीं आती है। लड़की के बापू, तुम्हारी बेटी हमसे फंसी हुई। कोई नई बात कर, वो तो सारे मेले से फंसी हुई है। लुगाई बनाना चाहते हैं उसे अपनी। तो बना ले, मैं कौन सा भारत में पैसे लूटने आ रहा हूँ? यही तो हम कह रहे हैं कि चरस की सिगरेटें छोड़ो और बेटी को समझाओ। मैं समझाता हूँ तो हंसती है। क्यों? वो समझती शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर बेटी को समझा नहीं सकते तो लानत है तुम्हारे बाप होने पर। पासवर्ड, तुम्हें बेटी को खुश तो रखेगा ना? रोजाना उसके सामने मुजरा करूंगा। तो ठीक है, 14 अगस्त को बारात लेके आना और तू भी आजाद हो जाना। शादी के बाद कोई मर्द आजाद नहीं होता, कैद हो जाता है। आ जाए फिर 14 अगस्त को। आ जाओ। ठीक है ठीक है।